पंजाब च कोरोना महामारी दे इस संकट नाल लड़न लई जिथे पंजाब च कई सख्त फैसले ले गए हन अते जिवे कि रात दा कर्फ्यू समा बताया गया है अते वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है उते ही चाहे लोग दुकाना समय सिर बंद कर रहे हन लेकिन बहुत से ऐसे लोग हन जो इस बीमारी की परवाह किए बगैर ही जारी हदायतों की उलंघना कर रहे हैं अते बटाले च ऐसे लोगों को जागरूक करने लई डीएसपी वालों एक वक्त तरह की मुहिम शुरू की गई। डीएसपी गुरदीप सिंह बटाले के मुख चौंका से खड़े होकर स्पीकर लगा के कोरोना महामारी तो किवें बचा किया जाए इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। डीएसपी गुरदीप सिंह ने दसिया कि वह जिथे कोरोना महामारी के बचाव की हदायतों की उलंघना करने वाले लोगों के चलान कट रहे हैं उस दे नाल मुख तौर पर रात के करफ्यू और वीकेंड लॉकडाउन च बाजारों च बिना मास्क और बिना किसी जरूरी काम तो निकलने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं उन्होंने संदेश दे रहे हैं कि अपनी और अपने परिवार और होरने लोगों की जिंदगी नाल खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने दसिया कि जिस ढंग नाल वो लोगों को संदेश दे रहे हैं उसका प्रचार का एक वख ढंग है उन्होंने लोगों की एक गल पहुँचा रही है। इस दे नाल ही उन्होंने दसिया कि अपनी ड्यूटी समय अते उस तो अलावा भी वह पूरा दिन लोगों नू इस बीमारी तो बचाव लई अते कोविड टीकाकरण लई अगे आउण लई अपील कर रहे हैं। बिना वजह हाथ मिलाया भीड़ भड़के दे विच गए और फिर सिर फिरे लोगों ने की किया कि जिन्हों ऑक्सीजन की जरूरत सी 250 रुपए का सिलेंडर 3500 रुपये का कर दिता। शैतान लोगों ने रातों रात अमीर बनने की कोशिश की उस कोशिश के विच असी भी हिस्सेदार हाँ कि जेकर असी घर तो बाहर ना निकलीए अपने रिश्तेदार मिले ना जाइए बाजार के विच ना जाइए बाजार कोई दुकान तो खुली नहीं फिर भी देखो किन्ने लोग जा रहे किन्ने आ रहे हैं और फिर कोई बीमार ना होवे हॉस्पिटल ना जाए ना ही कितने बंदे नूं ऑक्सीजन की जरूरत पे ना दवाई की जरूरत पे चलो माड़िया मोटिया दवाइया जुकाम दियां बुखार दियां चलदियां रहिंदियां। इस करके साडा मेन मकसद यह है तुहानूं लोकां नूं कहण दा कि तुसी अपने घरां च रहो जेकर लॉकडाउन लगे होए तो आपां घरां च नहीं रह रहे तो जिदण बाजार खुले हुंदे आ उदण किहड़ा असीं घट करदे आ। कल नूं भी लॉकडाउन है लॉकडाउन शुक्रवार दा 5 बजे दा लगा आ कि असी काम जिन्ने करने से असी शुक्रवार भी कर सकते हैं पर नहीं असी घर टेक के नहीं बैठ सकते असी फिर पैसे भी खर्चते हैं हॉस्पिटलों भी जाने फिर असी कहने जो तो फस जाने भी बहुत माड़ा होया। इस माड़ा कहण तो बिना सानू चाहिए कि असी बिल्कुल किते ना जाइए और असी फिर इंजेक्शन मुफ्त मिल रहा है इस वेले कोरोना का जेड़ा वैक्सीन है वह बन चुका है असी किसी ना नहीं लगवाया इतने जिन्हें खड़े आ पंजा सत्ता ने लगवाया हो वो तो वध ने असी लगवा नहीं जाते कि ये नाल भी खराबी है जिहड़ी चीज बन जाती है उसकी असी आलोचना करते हैं ना कि उन्हें और कुछ क्रिटिसाइज करने वास्ते बहुत शेर असी एक्सैप्ट नहीं करते। सानू सारिया नू चाहिए कि जो तो गलियां महल्लिया दे विच कोरोना वैक्सीन लगाउण वास्ते आउंदे आ ते असी ओह भी लगवाईए तां जो असी अपने आप नू सेफ रख सकीए बाजार दे विच बिना वजह ना आईए। कि तुसी सारे जिन्ने इत्थे आए इसलिए कि दोबारा बाजार च बिना काम तो आओगे बाहां खड़ियां करके दसो बाहां खड़ियां करके दसो कि आओगे कि नहीं। फिर तुसी अपने बच्चियां नू जे प्यार करदे आ ते घरां विच रहो असी सारे लोगों को तो रोक नहीं सकते कई सिर फिरे जड़े वो इधरों निकल के गलिया विच भी पै जाएंगे पर चंगे शहरी बनो चंगे नागरिक बनो अपने देश नू बचाओ अपने शहर नू बचाओ अपने घर नू बचाओ ता जो असी इस महामारी चो निकल सकीए। सानू तो यह चाहिए कईयों तो असी पुछया कि साडा घर टाइम नहीं पास हुंदा भाई टाइम पास करन दे बहुत तरीके ने तुसी टैलीविजन देख लो जेकर तुसी टैलीविजन नहीं देखना रब दा नाम लेना शुरू कर दो पाठ करना शुरू कर दो जपजी साहब दा पाठ करना शुरू कर दो गीता दा पाठ करना शुरू कर दो रामायण दा करना शुरू कर दो कुरान दा करना शुरू कर दो बाइबल दा करना शुरू कर दो जेड़ा भी किसे धर्म नूं मानदा वो पाठ करना शुरू कर दो ताकि टाइम भी बीत जाऊगा
और ये अरदास करो कि महामारी नूं परमात्मा जल्दी तो जल्दी इस दुनिया दे विचों खत्म कर। पर असीं ये काम नहीं करते, असीं एक दूजे वल देखते हाँ कि उहदे घर आया कोरोना साढ़े नहीं आया। पर तुहानूं चंगी तरह पता है कि जदों एक महल्ले दे विच दो जां दो तो ज्यादा मरीज पैदा हो जाते हैं तो उस महल्ले की नाकाबंदी हो जाती है, फिर उस महल्ले नूं दुध पानी लेना बहुत औखा हो जाता, सब्जियां तक किराना तक लेना औखा हो जाता। कृपा करके आप बचो, अपने शहर नूं बचाओ, ते हुण अपने अपने घरां नूं जाओ, रिश्तेदारियां ना नवाओ। धन्नवाद। परसों भी किया, मेरा मेन मकसद पब्लिक नूं गाइड करना है, ना कि चलान कटने। चलान तो असीं एक दा कटांगे, दूजे साडे लागे उहदी लंघदे रहिंदे आ। जदों असीं इहनां नूं 40-50 लोगों कट्ठे करके एक बारी इन्हां दे कन्नां दे विच चंगी तरह ना कानून का लिखिया होया इन्हां दे कन्नां दे विच बोल के पाउने आ तां इन्हां नूं पता लग जांदा। और इहदे नाल की है कि घरां दे विच जा के गल करनगे जां तुहाडे प्रेस के माध्यम राही वट्सएप ते चलूगा, टीवी ते चलूगा, उहदे नाल भी काफ़ी असर होएगा। अदरवाइज असीं देखिया कि असर बहुत घट आ, चलान एक दा कर देईदा, एक दुकानदार दा कर देईदा, तो वो नाल कोई इन्ना इफेक्ट नहीं हुंदा जिन्ना इस तरह कट्ठे करन नाल लोकां दे विच साडा मैसेज जांदा, वो बहुत वधिया इफेक्टिव चलदा। यही मैं बेनती करदा सारिआं नूं कि भाई अपने घरां दे विच रहो, जेकर किसी नूं जरूरी आ वो एक जन आण के बाज़ार दे विचों चीज़ लै जावो, अदरवाइज़ जरूरत नहीं। शनि एतवार तां वैसे ही बंद आ, हुण बाज़ार दे विच आउणा कोई एडा वधिया नहीं। आ देखो तुहाडे सामने फिर भी लोग हटते नहीं, एडे सिर फिरे आ लोग कि इन्हां नूं अपनी जान की परवाह नहीं, अपने घरदियां की परवाह नहीं, महल्ले वालियां की परवाह नहीं। इस करके मैं सारिआं नूं रिक्वेस्ट करदा कि अपने अपने घरां दे विच रहो, जद बाज़ार बंद आ तो साडा बाज़ारां च कोई काम नहीं। डिप्टी साहब, तुसीं देशवासियों नूं कोरोना वायरस दे बारे दस रहे हो, और जे आपां वैक्सीन की गल करिए तां इहदे बारे तुहाडा की कहना? वैक्सीन बारे भी मैं कह रहा लोगों नूं कि वैक्सीन भी लगाओ, हुण तां महल्लियां दे विच जा के वैक्सीन लगवा रहे आ। कई लोग कन्नी कतराउंदे आ कि नहीं ये वैक्सीन उदा ही आ, जे आ वो आ, नहीं बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन मैं भी दोने टीके लगवा ले आ, ते इहदे नाल मैनूं इन्ना पता कि मैं 5-7-10 दिन के बाद बिल्कुल सेफ हो जाना। जे मैं 10 दिन होर सेफ्टी रखी तो मैं सेफ हो जाना। जेकर सानूं कोई प्रॉब्लम आउंदी भी है टीका लगन तो बाद, तो बाकियों की तरह नहीं आऊगी, माड़ी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी तो सारे हस्पताल जाते हैं, पर असी मैनू लगता हस्पताल नहीं जावांगे। सर, पुलिस जी प्रशासन अपने लिए पूरा काम कर रही है, लेकिन ये सारा एक्सटरनल एरियाज़ के गड्डिया दौन हो जे इंटरनल बाजार्स ने सर, उन्होंने हले भी लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दुकाना खोल के बैठे ने, उन्होंने बारे की गाइडलाइनस है या उन्होंने की कार्रवाई की जा सकती है? अपने PCR मोटरसाइकिल है जोड़े वो गलियां महल्या भेजते हैं जे किसी ने दुकान खोली हो, पर लोग इन्ने क मन चले ने कि जो PCR उन्होंने कह के आंदा बाद दे फिर खोल लेंगे, क्योंकि असी हूँ इन्नी पुलिस तो है नहीं कि हरेक दुकान के मोहरे खड़े कर दीए जी आप खड़े हो जाइए, पर इन लोगों आप चाहिए। मेरा मैसेज है कि जेकर सरकार वालों बंद आ तो फिर टोटल बंद आ, क्यों खोलते हैं? तुसी आज पैसे कमाने हैं, जेकर पैसे कमाते हैं तो अनु नोटा दे नाल ही कोरोना आ गया तो फिर की करूँगे? इस करके ये काम बंद कर देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।